दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पटाखों पर बैन को लेकर फैसले पर गुरुवार को विचार किया जाएगा। उन्होंने गुरुवार शाम 4 बजे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। इसी बैठक में यह भी फैसला लिया जाएगा कि दिवाली के मद्देनजर पटाखों पर बैन लगाया जाए या नहीं। ध्यान रहे कि दिल्ली में नए कोरोना वायरस के मामलों में तेज वृद्धि के कारण केजरीवाल सरकार काफी दबाव में है। उनके सामने त्योहारी सीजन और कोविड-19 महामारी से पैदा हुई परिस्थितियों के बीच सामंजस्य बिठाने की बड़ी चुनौती है। इससे पहले राजस्थान पटाखों पर बैन लगाने का ऐलान कर चुका है। दरअसल दिल्ली में मंगलवार को डेली कोविड-19 केसेस का अब तक का सारा रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया, जब सिर्फ 24 घंटे में 6,725 नए कोरोना केसेस सामने आए। इस दौरान 48 मरीजों की मौत भी हो गई। दिल्ली सरकार का कहना है कि कोविड मरीजों की संख्या में तेज वृद्धि के पीछे ज्यादा टेस्टिंग बड़ी वजह है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि त्योहारी सीजन में भीड़ जुटने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के साथ साथ मास्क लगाने को लेकर लोगों में बढ़ती लापरवाही के कारण दिल्ली में कोविड के केसेस में अचानक उछाल आया है।